नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्वोत्तर का एक ऐसा राज्य है जहां से सूरज की किरणें हमारे जीवन में चेतना भरती है। हिमालय की पर्वतमालाएं, वन्य जीव संपदा और समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास इस राज्य को दूसरों से अलग खड़ा करता है और इसी राज्य को नई पहचान दिलाने में जुटी है यहाँ के एक छोटे से गाँव की बेटी जिसे टी लेडी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले का एक छोटा सा कस्बा है वाकरो। कुछ दिनों पहले तक कम ही लोग जानते थे इस कस्बे का नाम, लेकिन आज वाकरो अरुणाचल की पहाड़ियों से निकलकर विदेशों तक पहुंच गया है और ये मुमकिन बनाया है बासामलु क्रिस्को ने। मिश्मी जनजाति की इस बेटी ने अपने कस्बे को अफीम की खेती से छुटकारा दिलाने के लिए ऑर्गेनिक चाय की खेती का विकल्प चुना। अपनी जमीन को चाय के बागानों में तब्दील करने की ये कोशिश 6 साल पहले अकेले शुरू की, लेकिन आज वे अरुणाचल की पहाड़ियों में ऑर्गेनिक ग्रीन टी रिवॉल्यूशन का जरिया बन रही हैं। 90 के दशक से पहले इस पूरे इलाके में संतरे की खेती होती थी, लेकिन प्रकृति का प्रकोप ऐसा हुआ कि 90 के बाद यहाँ संतरे की फसल में भारी गिरावट होने लगी। रोजी रोटी के लिए लोग अफीम की खेती से जुड़ने लगे। अफीम की खेती कर किसान दाल रोटी का बंदोबस्त तो कर लेते, लेकिन यहाँ भी एजेंट पूरा का पूरा खेत खरीद लिया करते थे। कानून की पेचीदगी भी भारी थी। बासामलु उस वक्त दिल्ली में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर वापस लौटी थी। उसी वक्त माँ कैंसर की बीमारी से जूझ रही थी और डॉक्टर ने ग्रीन टी पिलाने की सलाह दी। अल्टीमेटली जब मेरा माँ का जो बीमार हुआ तो माँ को मैंने एडवाइस किया गया कि आपको ये ऑर्गेनिक ग्रीन टी पीना चाहिए, तो मैं डिब्रूगढ़ से ला के देती थी। बाद में मेरा मेंटर विनोद सायरा ने बताया कि वाई डोंट यू यूज़ योर तुम्हारा बैकवर्ड बैकयार्ड में जो एरिया है तुम अपना से भी तो कर सकते हो। तो मैंने पूछा उनको कि नहीं, ये तो बहुत कॉस्टली अफेयर है, पीपल सेस। बासामलु ने आसाम के व्यापारियों से जानकारी जुटाकर अपने कस्बे में ग्रीन टी का सपना देखा और वे ऑर्गेनिक चाय की खेती में जुट गई। इस रास्ते पर अकेले चलने के बजाय कस्बे के दूसरे लोगों को भी साथ लिया। अगर आप भी शुरू कर देते, आपका भी कुछ जमीन है यहाँ में ऐसे पड़ा हुआ, आप भी चालू करें सो दैट वी कैन हैव अ रोल मॉडल आउट हियर। पीपल विल थिंक कि हाँ, ये हम लोग कर सकते हैं, छोटा मोटा आदमी भी एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर भी कर सकता है, तो वो क्यों नहीं कर सकते। बासामलु ने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बुनियाद रखी। असम के बड़े व्यापारियों की मदद से जंगल में एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू की। गांव वालों को उत्साहित करने के लिए उनके बगान की चाय अधिक से अधिक पैसे में खरीदने लगी ताकि वो फिर से अफीम की खेती का रुख न करे। इरादे नेक थे तो नतीजे भी सामने आए। अब उनकी टी फैक्ट्री में 3,000 मैट्रिक टन ऑर्गेनिक चाय का उत्पादन हो रहा है। उनके बगान में किसी तरह के रसायन का इस्तेमाल नहीं होता है। अपनी माँ के लिए 2 कप ग्रीन टी का बंदोबस्त करने के लिए चली बासामलु अब कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान में चाय निर्यात कर रही हैं, तो सरकार से ठोस योजना की अपील भी कर रही हैं ताकि लोहित, दिबांग, तिराप और चापलांग जिलों को अफीम की खेती से बचाया जा सके। अरुणाचल प्रदेश की ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। अरुणाचल प्रदेश की बासामलु क्रिस्को ने न सिर्फ अपने गांव की तस्वीर बदली बल्कि पूरी दुनिया में उसे एक अलग पहचान भी दिलाई। इस बेटी के सपने और उसे पूरा करने के हौसले की बदौलत ही आज हजारों परिवारों की आजीविका चल रही है। कल आपको मिलवाएंगे महाराष्ट्र की उस बेटी से जिसने अपनी हिम्मत और हौसले की बदौलत झुग्गी झोपड़ी से तय कर डाला 3,000 करोड़ की कंपनी की मालिक बनने तक का सफर। कैसे, जानना चाहते हैं तो जरूर देखिएगा। आपके बरस मोहे बिटिया ही दीजिए।